नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज मी पूजा एंड यू आर विद मदर वर्ल्ड। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में या प्रैक्टिकल वीडियो में हम जानेंगे एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंस को। सेल रेफरेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये किस तरीके से मदर वर्ल्ड के इस सैम्पल डेटा सेट में किस तरीके से यूज होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मदर वर्ल्ड में एक प्रोडक्शन हुआ है कर्ड, मिल्क, चीज, आइसक्रीम, बटर एंड सो ऑन। उनका जैन से लेकर के अप्रैल तक का ये सेल प्रोडक्ट हुआ है और कह सकते हैं सैम्पल प्रोडक्ट स्टोर्स में सेल हुए हैं। तो मुझे इनका टोटल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो यहाँ पे एल्ट एंड इक्वल्स टू प्रेस कर सकते हैं और सिंपली आपको जैन से लेके अप्रैल तक का कर्ट का पूरा टोटल फाइंड आउट हो सकता है। और ऐसे ही अगर आप डबल क्लिक करें या ड्रॉप डाउन करें तो ये आपको पूरी तरीके से जहाँ तक आपका कॉलम जाएगा वहाँ तक आपका ये पूरा डेटा उस फॉर्मूला के थ्रू आ जाएगा। तो ये जिस तरीके से फॉर्मूला, ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला ऑटोफिल है। एक रो से लेकर के सामने वाले पूरे सीरियल वाइज तक ये गया है और इसने उस फॉर्मूला को इंक्लूड किया है। अगर हम इसी तरह सेकंड में भी आ जाए तो सेकंड में भी सेम वही है। जो फॉर्मूलास या जो सेल रेफरेंस सेम अपने ऑटोफिल में जाता है, या अगर हम उसे एक सेल से दूसरे सेल में अगर हम कॉपी करें, उसके वैल्यूज अगर चेंज नहीं हो रहे, तो ऐसे समय में वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू हम इसका भी पूरा टोटल निकाल लेते हैं कि मदर वर्ल्ड को फुल कितना प्रॉफिट हुआ है। एल्ट एंड इक्वल्स टू, तो ये आपका हो गया है 4062। अब मुझे इसी में आपको फाइंड आउट करना हो अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस भी, तो वो कैसे करेंगे। सपोज दैट आपको कर्ड का है, कर्ड का जो टोटल परसेंट टोटल आया हुआ है, मुझे उसका परसेंटेज निकालना, मुझे परसेंटेज बताना है कि हर प्रोडक्ट कितने परसेंट मार्केट में सेल हुआ है। तो ऐसे समय में जो आपका सबसे ज़्यादा साथ देगा वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस को आप इससे भी याद कर सकते हैं कि उसमें डॉलर साइन ज़रूरी होता है, सो दैट आपके वैल्यूज़ जो होते हैं वो फिक्स्ड हो जाए, वो कॉलम्स को फिक्स्ड रखें और आगे आपके फॉर्मूला चलता रहे। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू डालिए, मुझे इसके टोटल डिवाइडेड बाय दिस टोटल, तो कितना आता है मेरा। डोंट वरी, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और परसेंटेज पर क्लिक कर देना है। ये 18% सेल हुआ है। अभी मुझे इसी तरीके से मिल्क का भी करना है, पर मैं इस फॉर्मूला को अगर मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन किया या ट्रैक किया तो ये फॉर्मूला गलत बता रहा है। तो ऐसे समय में ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला में जाएंगे तो आप देखेंगे पहला तो सही है, उसने F5 लिया, बट F5 के बाद वो फॉर्मूलास ऑटोफिल की वजह से सरकते हुए नीचे एक कॉलम आ गया, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पे एंटर करूँगी और मैं अपने इस फॉर्मूला में सुधार करूँगी। यहाँ पर मुझे सिंपली F4 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपका फॉर्मूला फिक्स्ड हो जाए। ओके, एंड दिस दैट्स इट। अब आप चाहे तो इसे सिंपली डबल क्लिक कर सकते हैं या ट्रैक डाउन कर सकते हैं। ये आपका 18, सो हाईएस्ट जो है वो मेरा मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से स्टोर में गया है। अब अगर इसी में आपको मिक्स्ड रेफरेंस यूज करना हो, या आपके बॉस ने आपको आगे कहा है कि मुझे हर जैन के हर एक मंथ का मुझे परसेंटेज चाहिए कि कितना सेल हुआ, तो ये कैसे आप करेंगे। सिंपली आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नहीं लेना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आप आकर के पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने पेस्ट किया है, अब मुझे हर मंथ का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो मुझे सबसे पहले इन वैल्यूज को डिलीट करना होगा। अब सिंपली आप यहां पर आ जाइए, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो डोंट यू वरी, यहां पर आप आइए, परसेंटेज क्लिक कर दीजिए। पर क्या मैं इसे इस तरीके से ट्रैक डाउन कर सकती हूँ? नहीं, ये मेरे फॉर्मूला को गलत कर रहा है। तो ऐसे समय में मुझे सहारा लेना पड़ेगा,
ये रिलेटिवली काम कर रहा है ऑटोफिल, या फिर आपका एक सेल से दूसरे सेल में आपकी वैल्यू को तो चेंज नहीं कर रहा है, पर जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो उस समय वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि आपको जरूरी है डॉलर का साइन देने की। ओके, बट मैं इसे रोज में दूं या कॉलम्स में दूं? ऑफ कोर्स मुझे इसे कॉलम्स में देना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, शिफ्ट एंटर, और अभी मैं इस फॉर्मूला को ओके, एक बार हम फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है ये। सो इस तरीके से आप सेल रेफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको एब्सोल्यूट की जरूरत है, कहाँ पे रिलेटिव, और कहाँ पर आपको मिक्स सेल रेफरेंस की जरूरत है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय, एंड प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद द मदर वर्ल्ड।